So let's read this question. The question says, among I3 plus SiO4 4 minus SO2 Cl2 XeF2 SF4 ClF3 NiCO4 XeO2F2 PtCl4 2 minus XeF4 and SOCl2, the total number of species having sp3 hybridized central atom is. हमें बताना है कि कितने ऐसी स्पीशीज है जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाए, राइट? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स, राइट? वी हैव i3 प्लस, राइट? वी हैव i3 प्लस. आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आयोडीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? दो इलेक्ट्रॉन्स उसने बॉन्डिंग करी, एक पॉजिटिव चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए. बचेंगे हमारे पास क्या? बचेंगे हमारे पास 2 लोन पेयर्स, राइट? वी लेफ्ट विद 2 लोन पेयर्स, ठीक? बेसिकली हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? वी हैव 2 लोन पेयर्स एंड वी हैव 2 बॉन्ड पेयर्स. स्टेरिक नंबर विल कम आउट टू बी 4 एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, राइट? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्पीशीज, वी हैव SiO4 4 माइनस. स्ट्रक्चर विल बी राइट. नाउ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने? 4. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. नेक्स्ट वी हैव SO2Cl2. सल्फर विल बी द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट विल बी द सेंट्रल एटम, राइट? एंड सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? इसमें ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए. नाउ सिग्मा बॉन्ड्स कितनी हैं? सिग्मा बॉन्ड्स 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर्स नहीं है. स्टेरिक नंबर 4 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव XeF2 SF4. वी हैव XeF2 एंड वी हैव SF4. We have XeF2 and we have SF4, right? Xenon के outer most में कितने electrons होते हैं? Total 8 होते हैं, right? इसमें से 2 electrons basically use हो गए किससे? Fluorine से bonding करने में. बचे हमारे पास कितने? बचेंगे हमारे पास 3 lone pairs. We'll be left with 3 lone pairs, right? Basically, जो XeF2 के लिए जो स्ट्रक्चर आएगा हमारा क्या आ जाएगा? हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 लोन पेयर्स. स्टेरिक नंबर विल बी 5. हाइब्रिडाइजेशन sp3di और SF4, राइट? अगर SF4 की बात करें तो सल्फर के पास है 1 लोन पेयर हो जाएगा और ये हमारे 4 फ्लोरीन एटम्स होंगे, राइट? इसका जो शेप आता है वो सीसो आता है, में एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर. स्टेरिक नंबर 5 और हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा इसका, ठीक है? देन वी हैव ClF3. केस ऑफ ClF3 क्लोरीन विल बी द सेंट्रल एटम. क्लोरीन के आउटमस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 यूज हो गए, बचे 2 लोन पेयर, राइट? 3 हमारे पास फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में यूज हो गए और 2 हमारे क्या हो जाएंगे? लोन पेयर्स.
प्लस टू, फाइव हाइब्रिडाइजेशन sp, 3d आएगी। ठीक, नेक्स्ट NiCO4 निकल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आर्गन 3d10 4s2 होती है। ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो d 3d ऑर्बिटल में चले जाते हैं और अल्टीमेटली जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो हो जाती है आर्गन 3d10। 4s ऑर्बिटल खाली है, 4p ऑर्बिटल खाली रहता है, राइट? से हमारे 5d ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 5। सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 4s और 4p हमारे पास खाली हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या बना लेंगे, sp3, क्योंकि हमारे पास चार लिगेंड्स थे तो हमें चार वेकेंट ऑर्बिटल्स की जरूरत थी, तो ये हमारे इंटरमिक्स होकर क्या बना लेंगे, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट XeO2F2, XeO2F2 ऑक्सीजन बाइवेलेंट स्पीशीज होती है और फ्लोरीन जो होगा वो मोनोवेलेंट स्पीशीज है। ठीक है, तो ज़ीनोन के आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, ज़ीनोन के आउटमोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो ये हमारे पास XeO2F2 आ जाएगा, ज़ीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हो गया हमारे एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज हो गए। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा इस केस में। नेक्स्ट है PtCl4 2 माइनस, देख लेते हैं यहाँ पे PtCl4 2 माइनस। CpTCl4 2 माइनस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास स्क्वायर पे में होता है, राइट? जो हमारे 4d और 5d के एलिमेंट्स होते हैं वो अगर कर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यूजुअली जो उनका स्ट्रक्चर देखा गया है वो क्या देखा गया, स्क्वायर पे में, राइट? और इसके जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो DSP2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट है XeF4। अगर बात करते हैं XeF4 की, तो सीनोन के आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, सीनोन के आउटमोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 यूज हो जाएंगे फ्लोरिन के साथ बॉन्डिंग में और हमारे पास 2 लोन पेयर बच जाएगा, राइट? तो क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, 2 लोन पेयर प्लस 4 बॉन्ड पेयर, 6 आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एंड उसका जो स्ट्रक्चर शेप होगा बेसिकली कुछ ऐसा होगा। ठीक है, XeF4 हो गया। अगर स्टेरिक नंबर हमारा 6 आया है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा इसके लिए। ठीक, लास्ट हमारा SOCl2 है, लास्ट हमें क्या देखना है, SOCl2। तो Cl2 के लिए क्या हो जाएगा, सल्फर सेंट्रल एटम, राइट? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटमोस्ट में, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे, एक लोन पेयर बच जाएगा, राइट? सिग्मा बॉन्ड्स किसमें कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स इसमें 3 है और एक लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कितने में स्पीशीज में आया, SOCl2 में आया हमारे पास, राइट? NiCO4 के केस में आया 2 स्पीशीज हो गई, देन SO2Cl2 के केस में आया 3 स्पीशीज हो गए, फिर दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 5। सो फॉर दिस क्वेश्चन बी 5।
Correct answer for this question will be 5-5. Hope you understood it well. Thank you. All the best.